इंतजार समाप्त हुआ, भव्य राम मंदिर निर्माण का कार्यक्रम अयोध्या में चल रहा है। पूरा देश और पूरी दुनिया बड़ी आशा भरी निगाहों से अयोध्या को देख रही है। आज राम जी की पेड़ी में कोई आता है प्रभावित होकर के जाता है, अयोध्या कोई आता है बदलती हुई अयोध्या को देख करके प्रभावित होता है। अयोध्या के सड़कों के चौड़ीकरण और सुंदरीकरण के कार्य को, घाटों के सुंदरीकरण के कार्य को, अयोध्या के सुंदरीकरण के कार्यक्रमों को जब देखता है प्रभावित होता है। और इसलिए हम सबका दायित्व बनता है, हम सब अयोध्या को सजाने संवारने और भव्य राम मंदिर निर्माण के कार्यक्रम के साथ रामलला की विराजमान भव्य राम मंदिर के अंदर होते ही अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरियों में से एक के रूप में अयोध्या की पहचान हो जाए और हमारे पावन धाम दुनिया के सामने जिस नाम से अयोध्या त्रेता युग में जानी जाती थी अपनी सुंदरता के लिए, अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए, उस नाम को फिर से चरितार्थ करने की ओर अग्रसर हो जाए। और इसी अभिलाषा के साथ आज हम सब यहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति जिसने भी कुछ भी किया है उन सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। और यह हम लोगों ने लता दीदी जी की स्मृति में लता चौक के लोकार्पण के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा कि लता दीदी की मूर्ति नहीं लेकिन जिस वीणा का उन्होंने